टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने 6 से 7 टमाटर लिए हुए हैं। चलिए अब हम इनको बीच से कट कर लेते हैं। चलिए अब हम एक फ्राई पैन में सरसों का तेल डाल देते हैं। टमाटर को इस तरीके से रख देते हैं। थोड़ा सा हम नमक स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे टमाटर है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए, इसकी लेयर है वो आसानी से निकल जाए। और इसको एक लिड की सहायता से इस तरीके से हम कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये इनकी जो स्किन है वो इस तरीके से निकाल लेते हैं। चलिए अब कुक किए हुए टमाटर को एक बड़े बाउल में डाल देते हैं। अब हम गार्लिक को भी रोस्ट कर लेते हैं और एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। लहसुन में भी कलर आ चुका है, चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और इसके टमाटर में डाल देते हैं। एक मैशर की सहायता से इस तरीके से हम इसको प्रेस कर देंगे। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है लहसुन की। ये देखिए हमारी टमाटर की चटनी है वो मैशर से मैश हो चुकी है। अब हम इसमें मोस्ट इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं जिसके बिना हमारी टमाटर की चटनी है वो बहुत ही अधूरी है। अब हम इसमें डाल देते हैं ग्रीन चिली, महीन कटा हुआ प्याज और साथ में डालेंगे फ्रेश कटी हुई हरी धनिया, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून ही हम डालेंगे भुना हुआ जीरा। ये देखिए हमारी चटपटी टमाटर की चटनी बनकर के तैयार हो गई है। आप टमाटर की चटनी को पराठे, चपाती और पूरी के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू, हैप्पी कुकिंग।